सुहानी डगर में तुम्हारी नजर में। जी ने एक मेरे लिए हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज हम घूमने वाले हैं अपने गांव की पानी की टंकी पे, और मैं आपको थोड़ा उसका व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको दिख रही होगी, ये है टंकी। अब हम इस पर चढ़ने वाले हैं, और मेरे साथ एक दोस्त भी मिल गया है। ये मेरा योगेश, इसका नाम है योगेश, और इस वाले दोस्त के साथ हम चढ़ने वाले हैं टंकी पे। काफ़ी ऊंची टंकी है और मुझे डर लग रहा है भाई, ये योगेश भाई मेरे को ऊपर ले जाएगा। और योगेश भाई हाय करो। हाय दोस्तों। और चलो तो हम चढ़ते हैं। यहाँ से चढ़ने का जगह है सीढ़ियाँ, यहाँ से हम चढ़ेंगे। मेरे को तो डर लग रहा है, पर चढ़ने वाले हैं सीढ़ियों पर, जो कि आप देख रहे हो टंकी की सीढ़ियों पर। यहाँ से हमारा पूरा गांव स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर नदी भी है, नदी भी ऊपर से ही दिखाऊंगा। और यहाँ पे हम चढ़ रहे हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मेरा भाई है, मैं इसी के साथ चल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से सीढ़ियों पे मैं कुछ ऊंचाई पे आ चुका हूँ। अब हम पूरी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ से नदी भी दिखती है, देखो अभी कम दिख रही होगी, पर ऊपर से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे स्पष्ट दिखाई देगी। और यहाँ पे पुल भी है। अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये है मेरा भाई ऊपर, ये मेरे को चढ़ा के ले जा रहा, मेरे को तो डर लग रहा था। और यहाँ से काफ़ी ऊंची है यार चढ़ाई है, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा डर लगता है चढ़ने में। यहाँ से मैं चढ़ता जा रहा हूँ ऊपर, और धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे अब आ चुके हैं हम, थोड़ा ही टॉप रह गया, अभी मिडिल पर आ चुके हैं। यहाँ से मैं अपना थोड़ा गांव दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से दिख रहा होगा पूरा गांव, अब काफ़ी स्पष्ट नहीं है पर, लेकिन यहाँ पे आप नदी देख रहे होंगे, ये नदी का पुल है नीचे, और साइड में इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं हम, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। मेरी बाइक नीचे खड़ी है, और ये गाँव है। यहाँ पर अभी इवनिंग का टाइम है, तो सूरज भी अभी निकला हुआ है। और यहाँ पर टंकी का कुछ राउंड साइड इस प्रकार से दिखाई देता है, ऊपर से कुछ यहाँ से इस प्रकार से आ चुके हैं हम टॉप पर। आगे आगे चल रहा है जो कि दिख रहा होगा आपको, उसके पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। चलो भाई, वाह, आ चुके हैं हम टॉप फ्लोर पर, टंकी के सबसे ऊंचे वाले जगह पर। और साइड में मेरा भाई भी आ चुका है। और यहाँ पे आपको पूरा मतलब गांव का एरिया है जो पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं आप मेरे गांव को, यहाँ से ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे आ चुके हैं हम टॉप फ्लोर पे, यहाँ पे टंकी के सबसे ऊंचे वाली जगह पे आ चुके हैं मेरा भाई योगेश कुमार, ये भी मेरे साथ ऊपर चढ़ा है, इसको भी कोई डर नहीं लगता। और यहाँ से पूरा गांव स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस टंकी के राउंड मतलब इसके घूमते राउंड करते हैं। चलो योगेश भाई, और यहाँ से आप देख रहे होंगे, मुझे डर लग रहा है, कितना प्रकृति एरिया है, यहाँ पे पीछे भी नदी है। और यहाँ पे हम राउंड कर रहे हैं टंकी के सबसे टॉप फ्लोर पे। यहाँ पे ये पूरा गांव दिख रहा होगा मेरे पीछे, और यहाँ पे हम घूम रहे हैं टंकी पर। बहुत अच्छा लग रहा है यार, हवा भी मस्त चल रही है यहाँ पे, और यहाँ काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए टंकी पे। और यहाँ पे बहुत सारे भाई बैठे हैं, हाय, यहाँ पे पेप्सी वगैरह पी रहे हैं सबसे, ये भी ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ से आप पूरा दिखाई दे रहा होगा पूरी नदी, काली नदी है, जो कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में दिखाई थी। और गांव कुछ इस प्रकार से यहाँ से दिखाई देता है, टंकी से कुछ इस प्रकार से हमारा गांव दिखाई देता है, जो कि काफी हरियाली दिखाई दे रही है। यहाँ पे पूरा खेती का वातावरण आपको दिखाई दे रहा है, और सामने राम मंदिर है, जो कि मैंने अभी आपको एक न्यू वीडियो में दिखाने वाला हूँ, पूरा राम मंदिर का ब्लॉग। और यहाँ पे पूरा मतलब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी धानों की पिटाई कर रहे हैं। और ये टंकी से हमारे गाँव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये नीचे घर बने हुए हैं।
और टंकी पर देखने पर कुछ इस प्रकार से घर दिखाई देते हैं। काफी नीचे घर हैं, टंकी काफी ऊंची हाइट पे है और यहाँ पे घर कुछ इस प्रकार से देखते हैं। ये है नीचे का टंकी का नीचे का नजारा। यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये पूरा मेरा गांव का व्यू है। यहाँ पे आपको इस फर्स्ट एंड शाम का मौसम है तो काफी अट्रैक्टिव व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूर्य भी छिपने वाला है और यहाँ पे घर बहुत बड़ा गाँव है मेरा और बहुत अच्छे अच्छे घर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सामने देख रहे होंगे ये है पंचायत घर और साइड में नदी है और यहाँ पे मैं टंकी खड़ा हूँ। यहाँ पे ये टंकी वाला इलाका है और काफी अच्छा गांव है मेरा और यहाँ पे ये काले पानी की नदी है। यहाँ पे मतलब जो गांव का नालियों का पानी इस नदी में ही बहता है और यहाँ पे आप पेड़ पौधे देख सकते हो। काफी हरियाली है और काफी अच्छा जगह है। तो अब हम पूरी टंकी पर घूम चुके हैं, अब नीचे चलते हैं। यहाँ से उतरने का रास्ता है, यहाँ पे टॉप फ्लोर है, यहाँ से उतरने का सीढ़ियों का रास्ता है, यहाँ से अभी हम उतरते हैं। मेरा भाई है, ये भी चलता है नीचे और हम नीचे से थोड़ा शूट करेंगे, उसके बाद ब्लॉग को खत्म कर देंगे। चलो तो नीचे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी हैवी वाली टंकी बनी है। यहाँ पे हम नीचे आ गए, थोड़ा मिडिल साइड में आ गए टंकी के। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। यहाँ पे सीढ़ी भी, अभी बहुत सारी सीढ़ी हमें उतरना है नीचे। पहले तो चढ़े थे, अब उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड कुछ जिससे यहाँ पे पूरा खेती बाड़ी एरिया है और यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था वो सामने फ्रंट पे वो सारा पूरा गांव अपना आएगा है। यहाँ से साइड में ये नदी के साइड में ये टंकी लगी हुई है। नदी भी आपको यहाँ से दिख रही होगी और नीचे काले पानी की बह रही है। चलो तो हम नीचे उतरते हैं, अब धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये पकड़ने का है, पकड़ते पकड़ते यहाँ से उतर जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती उतरने में, चढ़ने में थोड़ा थक जाते हैं। यहाँ से हम जल्दी जल्दी उतरते हैं। ओहो हो हो, यहाँ से हम नीचे आने वाले हैं और काफ़ी ऊंची है यार टंकी। तो यहाँ से हम नीचे आ चुके हैं, अब लास्ट है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएंगे। यहाँ पे आ गए हम ग्राउंड फ्लोर पर और ये हमारी बाइक जो कि साइड में मैंने खड़ी कर दी थी। यहाँ से हम अब अपनी बाइक पर बैठ जाते हैं क्योंकि थक गए यार। टंकी देख लो कितनी ऊंची है, आपको दिख रही होगी कितनी है। मेरा दोस्त भी थक गया, ये रहा थक के इधर भी बैठ जाता है। और यहाँ से हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया पूरा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको इस ब्लॉग में जो वीडियो में बोला था वो पूरा आपको टंकी को दिखा दिया ऊपर से नीचे तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए आपका वेलकम, थैंक यू।